जय श्री कृष्णा। आज फिर से मैं आ गई एक और नई स्टोरी के साथ। ये है वृंदावन में अवस्थित गोपेश्वर महादेव का मंदिर। शरद पूर्णिमा के रात्रि में महारासलीला में भगवान शिव भाग लेने आए, पर ललिता, विशाखा और अन्य सखियों ने भगवान जी को रासमंडल में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि रासमंडल में कृष्ण के अलावा अन्य कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। तब वृंदा देवी के सुझाव पर भोलेनाथ ने पास ही में बसे ब्रह्म कुंड में स्नान किया और गोपी का स्वरूप प्राप्त किया, और तब जाके वो रासमंडल में प्रवेश कर पाए। गोपियों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करने के कारण भगवान जी को गोपेश भी कहते हैं। रासमंडल में जब भगवान शिव गोपी के रूप में प्रवेश किए, तब भगवान कृष्ण भगवान शिव के प्रेम और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव को गोपियों का ईश्वर बताया और उन्हें गोपेश्वर कहकर संबोधन किया। आज भी इस मंदिर में भगवान शिव का सुबह के समय शिवलिंग के रूप में और शाम के समय गोपी के रूप में दर्शन देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, याद करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गोपेश्वर।